जहाँ अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के है। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। मैं माननीय सदस्य एन के प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूँ। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट, एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं, नो, रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिपोर्ट में नहीं जा रहा। नाम बुलाइए सर। बैठिए। माननीय सदस्यगण प्लीज, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए।